दोस्तों नमस्कार, सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका एक बार और स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। सन 2000 की बात है, मेरा गाज़ियाबाद के लिए ट्रांसफ़र हो गया। गाज़ियाबाद की प्रशंसा वैसे मैंने पहले से सुन रखी थी, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था। एक बार मेरी गाड़ी में कुछ डेंटिंग पेंटिंग का माइनर सा वर्क आ गया। मुझे लगा चलिए इसको ठीक कराते हैं, तो मैं मारुति की एजेंसी पे गया। तो एजेंसी पे जो एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने उसको देख के मुझे बहुत सारा पैसा बताया उसके लिए, और 4 दिन के लिए गाड़ी छोड़ने के लिए बोला। ये मैं कर नहीं सकता था, तो मुझे लगा चलो जाने दो, कोई लोकल मार्केट में पता करते हैं। तो मैं वहाँ लोकल मार्केट में, एक ऑटोमोबाइल की मार्केट थी, उसमें गया, जहाँ पर एक छोटी सी वर्कशॉप थी। उसमें एक उस्ताद जी जो मुझसे 8-10 साल बड़े थे, मैंने उनसे कहा भाई साहब मेरी गाड़ी में थोड़ी प्रॉब्लम है, देख लीजिए। तो वो मुस्कुराए, बोले अरे सर गाड़ी आप लगाइए, मैं देखता हूँ। और एक बात और आपको बता दूँ कि मैं भाई साहब नहीं हूँ, मैं भाई जी हूँ। मेरे को यहाँ पूरे बाज़ार में लोग भाई जी के नाम से जानते हैं, तो आप भी मुझे भाई जी कहेंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे थोड़ा अलग सा इंसान लगा, मुझे मैं उतरा तो मैंने उनसे कहा जी मैं ये चाहता हूँ कि मेरा काम जरा जल्दी हो जाए। बोले जी बिल्कुल जल्दी होगा, मैं तुरंत आपका काम शुरू कराता हूँ, आप बैठिए। उन्होंने एक कुर्सी मंगवाई, और गर्मियों के दिन थे, बहुत गर्मी थी, और पेड़ के नीचे उन्होंने कुर्सी लगवाई अपने लिए भी और मेरे लिए भी। उसके बाद एक आवाज़ लगाई, अरे भाई कल्लू 2 दूध की चाय लेके आना, साथ में अदरक भी डालना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो वो बड़ी अच्छी सी चाय बना के लाया और हम दोनों ने मिलके चाय पी। वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोल रहे थे, और कभी कभी जाके गाड़ी पे अपने जो मिस्त्री थे, जो अपने शागिर्द थे, उनको बता रहे थे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो मुझे लगा वो अपने काम में काफ़ी माहिर हैं अपने फ़न के। तो मुझसे उन्होंने लेकिन बीच में पूछा, बोले कि सर ऐसा लगता है कि आप किसी सरकारी विभाग से हैं। मैंने कहा ये कैसे आपको लगा? बोले जी मुझे इस जगह पे इस काम को करते हुए 25 साल हो गए हैं, एम्बेसडर और फिएट के ज़माने से मैंने काम किया है इसमें, और मैं इंसान को बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ। तो चलिए बैठते हैं, 10-15 मिनट और लगता है, आपका काम हो जाएगा। और हुआ भी यही कि लगभग 1-1.5 घंटे में उन्होंने मेरी गाड़ी का डेंट भी निकाल दिया, पेंट भी कर दिया, और एकदम शानदार करके मेरे को गाड़ी की चाबी दे दी। मैंने उनसे पैसा पूछा, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो पैसा मुझे मारुति की एजेंसी से मिला था उसका 1/3 के आसपास उन्होंने अमाउंट बताया, और गाड़ी में काम इतना बेहतरीन किया जिसका कोई जवाब नहीं। मैं तो उनका मुरीद हो गया, और सबसे ज़्यादा मुरीद हुआ उनके उस प्यार का, उस स्नेह का, जो उन्होंने वहाँ पर मेरे को दिया। तो मैं चला गया। उसके बाद कभी भी जब मौका मिलता तो मुझे उनकी याद आती थी। तो कभी मौका लगा तो मैं एक बार उनके पास आया, मुझे कोई काम नहीं था, मैं वैसे ही उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आया। तो काफ़ी दूर से उन्होंने मेरी गाड़ी को पहचान लिया, मुझे पहचान लिया, बोले नमस्कार सर आइए। तो मैंने कहा जी आज मुझे कोई काम नहीं था, बस आपकी ऐसी याद आ रही थी, मैं इसलिए आ गया। बोले जी मुझे भी आज आपकी याद आई। तो मुझे लगा कि देखिए कैसा दिल से दिल का रिश्ता है, कि आज ही मुझे इनकी याद आ रही थी ज़्यादा, और आज ही उनको भी मेरी याद आई और हम लोग मिल गए। फिर उन्होंने दोनों कुर्सियाँ पेड़ के नीचे डाली और आवाज़ लगाई, कल्लू 2 चाय लेके आओ, दूध वाली अदरक डाल के। और हम लोगों ने चाय पी और बहुत सारी बातें हुई। एक अजीब टाइप का रिश्ता हम दोनों के बीच में हो गया। मैं क्या कहूँ इसको, ये कैसा रिश्ता था, ये कोई दोस्ती का भी नहीं हो सकता, क्योंकि उम्र में बहुत फ़र्क था, उनकी एजुकेशन का लेवल, मेरी एजुकेशन का लेवल, उनके काम का जो सिस्टम, मेरे काम का सिस्टम, सब कुछ अलग अलग था। यहाँ तक कि उनकी जात बिरादरी, उनका संप्रदाय मुझसे बिल्कुल अलग था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों बहुत मन करता था उनके पास बैठने का, बात करने का। देखते देखते क्या होता है कि सन 2008 में मेरा ट्रांसफ़र गाज़ियाबाद से बाहर हो गया। अब मैं अपने काम में व्यस्त हो गया, तो बाहर रहने की वजह से हमारा मिलना बहुत कम हो पाया। जब उनको मेरी याद आती थी वो कभी कभी फ़ोन मिला लेते थे, और सबसे पहले ये पूछते थे किसी मीटिंग में तो नहीं है, और मैं कहता नहीं नहीं यार आप बताओ। फिर बैठ के मतलब फ़ोन पे हम लोग बात किया करते थे, और जब कभी मेरा मन करता था तो मैं उनको कॉल कर लेता था।
जब उनकी दुकान पे हम बैठा करते थे तो मैंने देखा था उनका एक बेटा भी वहां पर काम करता था, हालांकि वो बहुत ज्यादा उस काम में इन्वॉल्व नहीं था, उसका अपना भी कुछ काम था। तो इस तरह समय बीतता गया। इस बीच क्या हुआ कि एक बार मेरे बेटे का फोन आया, उसकी गाड़ी में कुछ काम आ गया था, वो समझ नहीं पा रहा था कहाँ करवाऊं। तो मैंने उसको बोला कि तुम जाओ और भाई जी डेंटर से मिलो, वो चाहे उनका काम होगा या किसी और से कराना होगा वो सब काम करवा देंगे। तो वो गया, वो गाड़ी उनको दे दी और उन्होंने एक दो घंटे के अंदर सब काम कंप्लीट करके उसको दे दिया। तो जब उसने उनसे पैसे के लिए पूछा तो वो क्या जवाब देते हैं कि तुम मेरे फ्रेंड के बेटे हो तो मेरे भी बेटे जैसे हो, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। ये बात जब मेरे बेटे ने मुझे बताई तो मुझे लगा कि दोस्ती या रिलेशनशिप की जिस गहराई को मैं समझ रहा हूं उससे भी कहीं ज्यादा गहरी ये उनके दिल में थी। और इस तरह का जवाब उन्होंने जो हमारे बेटे को दिया, मैं तो लाजवाब हो गया। तो दोस्तों बहुत साल गुजर गए, कभी कभी हम लोगों की बात होती रही, लेकिन पिछले साल मार्च की बात है, काफी उस समय देश में कोविड का प्रकोप चल रहा था, तो अचानक इनके बेटे का फोन मेरे लिए आया। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, मैंने उनसे पूछा भाई कैसे फोन किया, तो उसकी रुवासी सी आवाज थी और उसने बताया कि उसके पिताजी का देहांत हो गया है। मैं एकदम शॉक्ड हो गया, इतना एनर्जेटिक आदमी, इतना एक्टिव आदमी, इतना काबिल आदमी ऐसे कैसे जा सकता है भाई दुनिया को छोड़ के। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये कोविड की वजह से, बोले नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं है, कोविड में वो बिल्कुल ठीक हो गए थे, काम पर वापस आ गए थे और अपना काम कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें एक दिन अटैक पड़ा और हम उन्हें बचा नहीं पाए। दोस्तों मुझे जो पीड़ा, जो दुख, जो इसका भावनात्मक नुकसान मेरे को हुआ, मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इन 21 सालों में मैंने कभी उनके नाम को भी जानने की कोशिश नहीं की। पहले दिन मुझे पता लगा था कि उनसे भाई जी कहते हैं सब लोग, तो मैं भी उनसे भाई जी कहने लगा और मैंने कभी उनका नाम ही पता नहीं किया। तो जब अभी 2-3 दिन पहले मेरी उनके बेटे से बात हुई तब मैंने उनका नाम जाना, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका नाम था हाजी अब्दुल सलाम। और मैंने उनसे व्हाट्सएप पे एक चित्र भी उनका मंगवाया जिसको मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, आप भी देख लीजिए। दोस्तों हम लोगों के बहुत सारे रिश्ते होते हैं, कुछ ब्लड रिलेशन होते हैं तो कुछ और तरह के रिश्ते होते हैं, कुछ नज़दीक के, कुछ दूर के होते हैं, कुछ दोस्ती के रिश्ते होते हैं। लेकिन ये रिश्ता जो मेरा और उनके बीच में था वो ना ब्लड का रिलेशन था, ना रिश्तेदारी वाली कोई बात थी, ना दोस्ती थी, ये तो एक अलग ही लेवल का रिश्ता था जो कि सिर्फ एक इंसान से एक इंसान का हो सकता है। और आपको जान के अचंभा होगा कि मैंने 21 साल तक कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उनका नाम क्या है। तो दोस्तों कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो ब्लड रिलेशन, धर्म, जाति, संप्रदाय इन सबसे ऊपर उठ के होते हैं और ये सबसे खूबसूरत रिश्ते होते हैं। इसी वजह से मैं शायद कभी उनका नाम तक नहीं पूछा और आज तक वो मेरे दिल में उसी तरह से बसते हैं जैसे वो पहले दिन मेरे दिल में उतरे थे। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपनी कहानी का समापन करता हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर हो सके तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले संडे को सुबह 8 बजे हमेशा की तरह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त देंगे, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।